का सुसंस्कार, संस्कृति एवं संस्कार। संस्कार का अर्थ है कि अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे भाव जो हम अपने भीतर इकट्ठे करते हैं, जिसका कि हम जो कहना चाहिए जिसको सेव करते हैं, जिसको योग की भाषा में धारणा कहा जाता है। जब ये सेव किए जाते हैं अच्छे अच्छे, तो अगले जन्म में जाके वो संस्कार बनते हैं। इस जन्म में भी अगर हम रिवाइज करें तो हम जो इसका उपयोग कर सकते हैं, तो संस्कार से संस्कृति बनती है। यानी जैसे माता पिता बच्चे को संस्कार देते हैं, बच्चे वैसे होते हैं वैसा परिवार बनता है, और जैसे परिवार होते हैं वैसा समाज होता है, और जैसा समाज होता है वैसा देश होता है, और जैसे देश आज 210 कंट्रीज के देश है, अगर ये सुसंस्कारी है तो अच्छा विश्व बनेगा। यानी संसार, ये संस्कार व्यक्ति पे लागू होता है, और सामूहिक रूप से जो संस्कृति बनती है। तो इसीलिए हमारे इस दुनिया का सबसे छोटा घटक, सबसे छोटा कंपोनेंट है वो मनुष्य है। उस मनुष्य को अच्छा बनाने के लिए उस अच्छे संस्कार देना चाहिए, और संसार का सबसे उपयुक्त समय होता है वो बचपन होता है। बचपन के अंदर बच्चा एक स्लेट की तरह होता है, खुली पुस्तक की तरह होता है, खाली पुस्तक होती है, खाली स्लेट होती है, उस पर आप क्या लिखते हैं, उस पुस्तक के ऊपर आप क्या लिखते हैं, वैसा बच्चा बन जाता है। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे विचार बनते हैं, विचार से आचार बनता है, आचार से हमारा व्यक्तित्व बनता है, व्यक्तित्व से हमारी पहचान बनती है। यानी मूल है संस्कार, संस्कार से संस्कृति बनती है। इसीलिए अगर आप घर को अच्छा बनाना चाहते हो, समाज को अच्छा बनाना चाहते हो, तो बच्चों में अच्छे संस्कार डालिए, क्योंकि यही बच्चे आगे जाकर के देश के महान नागरिक बनेंगे, देश के भक्त बनेंगे। अतः संस्कृति को बचाए रखने के लिए सुसंस्कार लेवें।